हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर के आया हूँ कि बेहतरीन मान सकते हो, ऐसे कहने से नहीं होता है, बट इसका फंडामेंटल चेक करो, देखो कैसा है कैसा नहीं स्टॉक, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। इसका मार्केट कैप है 3,83,00,000 का। इसका करंट प्राइस चल रहा है 85 पैसे। इसने हाई बनाया है 85 पैसे का। इसका लो भी लो है 37 पैसे का। इसका बुक वैल्यू 9.58 रुपये का है और ROC है पॉजिटिव में 0.23% ROE है पॉजिटिव में 0.19%। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रमोटर के पास होल्डिंग 0.45% का। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.01% का। एनुअल प्रॉफिट है 0.08% का। डेप्ट इस कंपनी के ऊपर कर्ज है सिर्फ 28 लाख का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.19%। इंडस्ट्रीज पी है 26.4 और EPS है 2 पैसे का। फ्री कैश फ्लो है 0.03 यानी 3 लाख का इसके पास फ्री कैश फ्लो भी है। आइए चलते हैं हम लोग कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स पे। वैसे ये कंपनी मुझे फंडामेंटली अच्छा लगा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्ट्रॉन्ग का सिग्नल मिल रहा है मुझे, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू ठीक है। प्रमोटर के पास कुछ होल्डिंग भी है। इस कंपनी के और बहुत कम कर्ज है, सारी चीज़ें पॉजिटिव में है और फ्री कैश फ्लो 3 लाख का है इनके पास। ज़्यादा नहीं, 3 लाख भी है, ठीक है ठीक है। और अगर हम लोग देखें इनका प्रॉस, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.09 टाइम इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को बहुत नीचे ट्रेड कर रही है स्टॉक। अब फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर का स्टॉक है। आइए चलते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, देखते हैं इनका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। सितंबर 2022 में -3 लाख का प्रॉफिट लॉस हुआ है। मार्च 2022 में 0.13% का ये 13 लाख का प्रॉफिट हुआ है। चलते नेट प्रॉफिट की तरफ, तो 0.00 दिखला रहा, बट क्या है, लॉस नहीं हुआ है बट प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ये ठीक है। अब इन्हें प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का। कब हुआ है, मार्च 22 में। प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया जाए ईयरली बेस, तो इनका प्रॉफिट देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9 लाख का, TTM में प्रॉफिट मार्च 2022 में 10 लाख का प्रॉफिट। ऐसे करके ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं अब आस्ते आस्ते, ठीक है। तो 9 लाख का 8 लाख का प्रॉफिट, 9 लाख का TTM में, 8 लाख का करंट ईयर, और बाकी ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट ये अब प्रॉफिटेबल में आ रही है, प्रॉफिट बना के दे रही है कंपनी। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो 213% की प्रॉफिट दिखला रहा है करंट में, करंट ठीक है TTM में। हम लोग वैसे आते हैं आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और देखते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं हम लोग, तो देखने के लिए क्या मिलता है हमें कि 45.45% की होल्डिंग है। प्रमोटर के पास 99.54% की होल्डिंग है, ठीक है। अगर इनके अंदर आते पब्लिक के अंदर, तो देखो इतना अच्छा होल्डिंग है। धीरज लाल पंचंद गुगलानी के पास 33.28% की होल्डिंग है। बहुत अच्छा होल्डिंग माना जाता है, मतलब है प्रमोटर तो यही है असल में। दीपक कैपारे के पास 8.29% की होल्डिंग है। तपस्या सेठ के पास 8.21% की होल्डिंग है। मतलब ऐसे करके इनका होल्डिंग कैलकुलेट करोगे तो 7.24% की होल्डिंग इनके पास, 28.21% की होल्डिंग इनके पास है, 7.24 इनके पास, 6.86, 6.86, 6.86, 6.86, मतलब ऐसे करके अगर होल्डिंग कैलकुलेट करोगे तो 60-70% की होल्डिंग आपको निकल के आ जाएगी, मतलब 50-60% की होल्डिंग तो सामने निकल के आ ही जाएगी, ठीक है। ये सब होल्डिंग कैलकुलेट किया जाए तब आप कैलकुलेटर लेके बैठो, देखो इनकी होल्डिंग कितनी अच्छी है, ठीक है। आइए स्टॉक के नाम की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देख ले CIRP प्रोसेस तो नहीं चल रहा है ना इस स्टॉक में, तो ऐसा कुछ नहीं है इस स्टॉक में, ठीक है, कंपनी ठीक है। स्टॉक के नाम की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं।
तो इस स्टॉक का नाम की तरफ चलते हैं। इस स्टॉक का नाम है सॉफ्टबैंक वेंचर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। सॉफ्टबैंक वेंचर लिमिटेड जो प्रोफेशनल टेक्निकल एंड बिजनेस सर्विस वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग ऑपरेटेड इन बिजनेस, ये कंप्यूटर से सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं। अगर हम लोग प्रमोटर की होल्डिंग है, पॉजिटिव सिग्नल है, इनके पास कर्ज नहीं है, बुक वैल्यू बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। अपने सपोर्ट के पास है, समझ लो अभी ये स्टॉक। और मैं आगे टेक्निकल में बताऊंगा आपको कैसे कामकाज करना है। देखो एनुअल प्रॉफिट 8 लाख का आ रहा है, तो कंपनी आगे चल करके बहुत ही बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ सकती है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ सिग्नल इनका पॉजिटिव बता रहा है, और उसी देख लो पॉजिटिव दिखला रहा है, ROE भी पॉजिटिव है, तो फ्री कैश फ्लो भी इनके पास, ये सब सिग्नल हैं पॉजिटिव। आज चलते हैं हम लोग टेक्निकल की तरफ और देखते हैं इनका टेक्निकल कैसा है, कैसे हमें इन स्टॉक में कामकाज करना है। दोस्तों ये स्टॉक ना, इसके हम लोग टेक्निकल पे आ चुके हैं, और देखो ये स्टॉक आपको इस प्राइस में भी मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे मिले तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो, क्योंकि अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रही है, और इसका फंडामेंटल मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। वैसे मिलने का चांस कम है, और दोबारा नीचे की तरफ गिरे आए ये स्टॉक, तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। अभी इसका 25 रुपये और 37 रुपये की इसका सपोर्ट है, और फिर अगर ये 58 पैसे में मिले तो डेफिनेटली बाई करके चलना। अगर इस प्राइस में मिल जाए तो बाई करके चल सकते हो, बट ये आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा जल्दी, क्योंकि पहले स्टॉक जल्दी मिलते नहीं हैं, भागने वाले स्टॉक। और दोबारा अगर नीचे गिरे तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते, क्योंकि इनके पास प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। कंपनी कर्ज मुक्त, कंपनी के पास कोई कर्ज है नहीं, बात समझ रहे हो ना। और इसकी बुक वैल्यू बहुत अच्छा है, लोग ना बुक वैल्यू को देख के, ये शेयर मार्केट ना इमोशन पे चलता है, माइंड सेट पे चलता है, लोगों का माइंड सेट काम करता है इसमें। तो दोस्तों पेनी स्टॉक में अपना मंथली इनकम का मात्र 2% हिस्सा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी ये ऐसा नहीं कि अपना अकाउंट पूरा खाली करके एक पेनी स्टॉक में भर दूँ कि हाँ मिले, मुझे मिला है कि ये इतना ऊपर तक जाएगा और मैं सारा अकाउंट का पैसा खाली करके इसमें भर दूँगा, पता चले कि वही स्टॉक पूरा नीचे आ जाए, जिससे आपको घाटा हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इससे बचने के लिए आप हर महीने 2% की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। असल दोस्तों जब भी पेनी स्टॉक में आपको 100% की प्रॉफिट आए, तो सबसे पहला काम आपको ये करना कि अपना कैपिटल बाहर निकालना है, और आस्ते आस्ते आपको कॉन्फिडेंस आने लगे कि नहीं पेनी स्टॉक में 100% नहीं, 200% भी प्रॉफिट बन सकता है, 300% बनता है, 400% बनता है, और उस स्टॉक में लगे कि कैपेसिटी हो उस स्टॉक को भागने के उतना ऊपर, आपको लगे कि हाँ ये स्टॉक मुझे इतना प्रॉफिट बना करके दे सकता है, तो आप अपने प्रॉफिट को जहाँ आप 100% पे कैपिटल अपना निकाल रहे थे, वहाँ 200 पे अपना कैपिटल निकालो 200% होने के बाद, ठीक है। फंडामेंटल वगैरह चेक करते रहो कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं, मतलब ये ऊपर जा सकता है या नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए तो दोस्तों ये 2003 से अब तक, फैब 2003 से अब तक ये भागने में लगी हुई है, कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम लोग हर साल भाग रही है, हर साल ये भाग रहा है कंपनी, ये रुक नहीं रहा, मतलब सुन रहे 2 साल 2003 से, हर इस साल इसने 60% का प्रॉफिट दिया, इस साल 42 पैसे से कहाँ तक गया, 49 पैसे तक, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना करके दे रहा लोगों को, 1 2 3 4 5 6, दोस्तों ये स्टॉक ना 2023 करंट का दिखला रहा है, बट क्या है भागता हुआ ही है नहीं, मतलब आपको ये स्टॉक मिले तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ परसेंट का ये ग्रोथ लगा ही रहा है, दौड़ लगा रहा है, तो आपको मिले तो डेफिनेटली बाई करके चलो। उससे पहले हम लोग चलते हैं BSE के साइड पर और देखते हैं इनका कामकाज कैसा चल रहा है BSE के साइड पर।
तो सॉफ्ट टैंक वेंचर लिमिटेड, इनमें किसी प्रकार का कोई वो स्ट्राइक नहीं है, बहुत फ्रेश स्टॉक है, आप बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है इनका स्टॉक सेल किया जाता नहीं है, बट इसी मतलब इसीलिए ये अभी दिखा नहीं रहे, मतलब लोगों को पूरा पक्का विश्वास है कि स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, बस बस इस वजह से स्टॉक सेलिंग नहीं आ रही है। 100 क्वांटिटी शायद सेल किया गया, ट्रेड किया गया है 80 क्वांटिटी, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। किसी भी स्टॉक में हमारे बताया गया है, किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले खुद का रिसर्च ऐड करना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, ऐसे किसी भी बताए हुए स्टॉक में एंट्री नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो